बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान दौलत इज्जत ये बहुत ज़्यादा तलब करता है और हर इंसान बचपन से ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क मिले, दौलत मिले, मेरे पास वाफर मकदार में दौलत होनी चाहिए। अब उस दौलत की ख्वाहिश लेकर वो पैदा भी होता है और उसी पर दुनिया में ज़िंदगी गुजार। हालांकि जहन बचपन से दीन का बनाना चाहिए, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि आज इंसान ये चाहता है, ये समझता है कि हर चीज़ मिलेगी दुनिया की मेहनत से, इसलिए वो तालीम भी हासिल करता है, नौकरी भी करता है, लेकिन यकीन उसका अल्लाह से थोड़ा कमजोर हुआ हुआ है। लेकिन याद रखिए, अगर अल्लाह की जात पर यकीन मजबूत हो जाए तो इंसान को मुकद्दर की हर चीज मिलती है, लेकिन अतात इलाही से अल्लाह उसको बरकत के साथ नाजिल फरमाता। अब इंसान को दौलत ज्यादा मिले और इज्जत वाली मिले, इसके लिए कुरान पाक की एक आयत है, सूरह आदियात 3वां पारा की आयत है, वइन्नहु लिहुब्बिल खैर शदीद। इस आयत को 70 मरतबा 21 दिन तक पढ़े ईशा के बाद और दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क अता फरमाएंगे, बेहतरीन इज्जत वाला और वफर मकदार में अता फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने खुद कह दिया है कि मैंने तुम्हारे अंदर शदीद मोहब्बत रख दी है खैर की, माल की। अब वो माल भी देगा अल्लाह, बनाया भी हमें अल्लाह ने, दिल के अंदर उसकी तलब भी रख दी। अब हम अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह तू हमें दे दे, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा, जरूरत पूरी होगी और बेशुमार रिस्क अल्लाह देगा। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।